अच्छा अभी कथा करेंगे ओम विष्णुवे नमः स्वाहा ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। तीन दिन के बाद हम कैसे उपवास रहेंगे, सास बहू में पड़ता नहीं था, पेट भर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम कैसे पूजा छठ बन कर रहेंगे। तो वो क्या करेंगे, अपने लिए रोटी बना के अपने तकिए के नीचे ले जाकर अपने छुपा दी। जब खाना पीना सब वो हवा गया तो उनका पति गए सोने के लिए, तो बोली जी हम चल के चादर झाड़ेंगे बिस्तर तब आप सोना। तो बोले नहीं नहीं तुम तो किचन में अपना काम करो, हम जाके झाड़ लेंगे। तो बोले जी ही छपरी अब तो हमारा लाज तुम्हारे हाथ में है, जे कहेंगे जे हमारी माँ को बदनाम करती है, जे हमारी मम्मी ने पेट भर के खाना नहीं देती है, तो ये छुपा के मेरे मम्मी से ले जा कर रखी है पका के। तो बोली जे नहीं हम चलेंगे। बोले नहीं तुम अपना किचन का काम करो, हम झाड़ के सो जाएंगे। गए चादर उठा के ऐसे झाड़े तो वो तो रोटी नीचे गिरा। तो बोले ये तो हमारा लाज आप तुम रख लो, रोटी नीचे गिरा सोने की ईंट बन गई। तो वो तो मायके के एकदम वो गरीब थी, मायके उनको पता ही नहीं था छठी माई के कहाँ है हमारा मायका। तो बोले ये हे छठवन सभी हमको तीन दिन के मायके दे देना, ये हमारा लाज तुम्हारे हाथ में है। तो अब लगी सास में बहू में लड़ाई होने, पति भी लगा डांटने जो तुमने मेरी माँ को बदनाम करती है, ये तो तुम बदमाश हो, कहाँ से लाई हो सोने की, तुम्हारे माँ बाप तो है नहीं, दिया कहाँ से। बोले नहीं हमारा मायका है, चलिए हम बताते हैं आपको। तो गई अपने पति को लेके, तो गई चलते गई चलते गई, तो बोली ऐसे ही अनजान खूब बंगला माँ बाप हाथी घोड़ा खूब धन भी, बोली यही मेरा मायका है। तो बोले जी तू इतने से पता था हमको, बताई नहीं, नहीं। वहाँ गई मायके में तो उनको एकदम बेटी जैसे बहुत लाड़ प्यार बहुत हुआ। ये तीसरे दिन जब वो विदाई उनके माँ बाप ने किया तो इतने उनको संपत्ति दिए, इतने धन बीत दिए जे यहाँ घर पर लिया कि उनको रखने की जगह नहीं मिला। बोले जी देखो तुम इतने से रखी थी, हमारे माँ बाप ने हमको कितना दिया। तो ये छठ भगवान उनको जैसे सब कुछ मनसा पूर्ण किया उसी सब लोगों को करना। छठी भगवान की जय। सूर्य आ जाओ चलो भाभी, नहीं होगा शादी नहीं तेरे स्वामी, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख लिया जब मात तो किस बात। आज तक खबर सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं, छठी माई सबके बच्चों को सुखी रखे स्वस्थ रखे मस्त रखे, आपके घर में आनंद हो। इसी के साथ छठ पूजा 2022 को मैं विराम देती हूँ।